यहाँ तक कि आपके सवाल के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी फिर ट्रेडिंग कर रही है। एक दफा मैंने 200 में, तो मैंने यहाँ जाके कहा स्प्लिट सेल्स टू, ओके सो ये मेरे पास हो गई, इस पर क्लिक करें। अच्छा इसको ब्लैक कर लें, ये तो मेरा ख्याल आपको आ गया है। क्या लिखा हुआ है, वर्कशॉप एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। अब देखिए मैं ना इकहत्तर लाइन नहीं बना देता हूँ ताकि मेरी फॉर्मेटिंग खराब ना हो। क्लिक स्प्लिट सेल करें, अब 10 है मेरा ख्याल है, दो कॉलम है और 5 रोज है, ऐसा ही है, ये मैंने बना लिए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ना एडवांस ऑप्शन यूज होगी। ये मैंने आपको बोला था कि फाइल के मेनू में जाएं, ऑप्शन में जाएं, कस्टमाइज रिबन, आप अपने रिबन पर हर कमांड ऐड कर सकते हैं। ये तमाम कमांड ऑल कमांड्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ऑल कमांड नहीं करना, मुझे तो पूरा रिबन ही नहीं चाहिए जिस तरह मैं डिवेलपर। मैंने ये अपने पास यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम डेवलपर, उसके बाद अभी यहाँ पर डिफरेंट चीजें मैं चाहता हूँ आप सारे एक्सप्लोर करके देखेंगे। अगर मैं आपको बना के बता दूंगा ना, तो फिर तो आप फटाफट जाके यहाँ पे करके तो गूगल में बना लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सारे देखें ये किस तरह से क्या होता है, इससे क्या होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से चेक बॉक्स बनाना मुझे, ठीक। अब ये चेक बॉक्स है, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको पता है हमने बेसिक्स में सीखा था कि कंट्रोल प्लस क्लिक से किसी का ऑब्जेक्ट की कॉपी होती है। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट कॉपी करके बना लें, चाहे तो ऊपर से क्लिक करके बना लें, इनको चेंज कर अपने एडिट कर लें। ठीक, क्या था हुआ है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बाहर क्लिक करें एंड इंक्रीज द साइज। अब आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी आप चेंज कर लीजिएगा। अब लैब एक मसला आता था, वो कह रहे सर जब ये ऐसे करते थे ना हमारे एडिट होके तो वो कुछ और आ जाता है, इसमें नहीं आता। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सेलेक्ट करना है डिजाइन ऑन रखना है। अगर ये डिजाइन ऑफ होगा ना फिर ये चलना शुरू हो जाएगा फॉर्म, फिर राइट क्लिक से वो नहीं होगा जो पहले आया था। डिजाइन ऑन रखना है और प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज में कैप्शन कहते हैं निकनेम को, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ढूंढा प्रॉपर्टीज में, सॉरी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, मुझे इस चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी चाहिए, इस पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई लाइक दिस, मेरे पास दिस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आ जा रही है। मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं और यहां से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं। चेक बॉक्स 11 इसका नाम है, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज है, कैप्शन क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइन, आपने ग्राफिक डिजाइन सेलेक्ट किया, बाय क्लिक करें इस तरह आ गया। अब इसका साइज चेंज करने की जरूरत तो ऑटो ऑटो जस्ट ऊपर एक लाइन के अंदर, बाकी आपके पास ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट ये आया जी, आगे तुमने बाकी क्या कर लीजिएगा, नोट पे इशू आ रहा, बुलेट से लगा गए, देखें नोट एहतियात करें, लाइनों का ख्याल रखें, हर हिस्से को छोटे हिस्सों में बनाना है। अगर आप कल को वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में जाएंगे ना तो वहां पर भी अगर आप सारा कट अपना बैठ जाएंगे ना तो आप कभी नहीं बनेगा। चीज के छोटे छोटे हिस्से बनाए, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए और उसके अंदर उसको सॉल्व आउट करें। अब देखिए मैंने ये एक सेक्शन बनाया, मैं इस सेक्शन को सॉल्व कर लिया, अब मैं नोट के सेक्शन में आया हूँ। अब मैं ये आ जाता हूँ लास्ट टेक्स्ट एंटर कर लेते, ठीक है। हमने कहा इक्वल डबल टेक्स्ट एंटर कर लेते, इक्वल आ रहे हैं डी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है इसको रिमूव करता हूँ, शिफ्ट कर ले ना कर ले आपकी मर्जी है। देखिएगा जब इसको बुलेट लगाते हैं ना कहते हैं सेट नहीं होते, इधर से नहीं छेड़ना, इधर से तब छेड़ना है जब उस जैसा नहीं आएगा। अब यहाँ आ गया, यहाँ जाकर मैंने बुलेट चलाए, ये बुलेट नहीं चाहिए, कौन से चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लेते हैं। अब अगर ऊपर वाले को आगे लेके जाना है इसको आप हिला के देखिए, लेकिन इससे बुलेट पीछे जाता है, इसे टेक्स्ट आगे जाता है, सॉरी। और अगर आप बाकी का टेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं नीचे वाले जैसे सारा आगे जाता है,
गुड होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अच्छा इसमें ना एक और चीज देखिएगा जरा, वहाँ ना डेट लिखी हुई है, एक डेट आई हुई है समथिंग, जो भी डेट है हमने यहाँ डेट लिखी है, सपोज मैं कहता हूँ आज का डेट है, इसका डेट है 4 मार्च, हम लिखेंगे 4, और से देखिएगा वो खुद क्रिएट करेगा। देखिए वहाँ एस टी एन सो फर्स्ट है, सेकंड है, व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है, तो आपका टीएच खुद ऊपर जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट है। अगर आपके पास कोई सेटिंग दी है और आपका टीएच जो है वो ऊपर नहीं जाता, फिर आपको इसको ऊपर लेके जाना है, उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल इक्वल कंट्रोल शिफ्ट इक्वल सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के लिए आपने यहां से जो भी सेटिंग चीज मैंने मांगी है वो पूरी एज इट इज डिटो कॉपी, मुझे कोई भी चाहिए ठीक हो गया जी, ये आ गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ी आगे आ गई। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा और रोल था, कहते सर वो जो लिखते हैं तो बुलेट पॉइंट्स आते हैं, एंटर तो मैं बड़ा खत्म हो जाएगी, दोबारा देखिएगा एंटर दबाया, एंटर मेरे पास बुलेट्स आ गए, फिर एंटर दबाया बुलेट्स खत्म हो जाएगी बस। अब शिफ्ट माइनस से लाइन लगा ले, आप मर्जी कैलकुलेटर लगा सकते हैं, कंट्रोल आ करता हूँ, तो मैंने एंटर तो पता नहीं फूल हो जाता, कहते सर आप क्या करें कुछ भी नहीं करें, अंडू करें वापस आ जाएगा। अब नीचे बोलो लिखे एप्लीकेंट सिग्नेचर और बटन जो भी लिखा हुआ है, एप्लीकेंट सिग्नेचर दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर कर लें, कोशिश करें शॉर्टकट कीज के साथ वर्किंग करने, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये वर्किंग की, मेरे पास इस तरह से आ गया। उसके बाद अगले ऑप्शन मैंने लाइन छोड़ दी है, नीचे वाला हिस्सा बना दूं क्या बना लेंगे, ओके सीजन नीचे वाला बना लेंगे, कह रहे हम बाकी कर लेंगे, नीचे वाला बना लेंगे ना बाबू, तो रेडी बटन से ये है उधर से आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ये आपको मिल जाएगा उस तरीके ना, आप सारा मेरे पे ना रहना। नेक्स्ट देखेंगे, आपको मैंने कहा अगर मैं कैंची बनानी है, अब कैंची अगर आप बना भी लेना है यहाँ पे या कहीं से तस्वीर लगा भी, वो इधर नहीं आएगी, हम उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसके लिए वापस आते हैं। इंसर्ट में सिंबल तो आपने पढ़े हुए, तो सिंबल में सीजर मैंने ढूंढ लिया, नाम मिले तो वेबिंग्स या वेडिंग्स के अंदर या वेडिंग्स बार में आपको मिल जाता है, कोई भी सीजर जो आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट करके इंसर्ट की, ये एक कैरेक्टर है आपके लिए, वो कैसे पता चलता है, देखिए इसको बढ़ा करें ये बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, समझ लें ये कैरेक्टर है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कट का बटन दबाएं, कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ अभी भी ये सिंपल है, देखिए बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ ठीक, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे इसकी तस्वीर बनानी है ताकि मैं वहां लगा सकूँ, मैंने कहा पेस्ट में जाए, जब हम किसी अपने कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के फॉर्मेट से शो कराना चाहते हैं तो हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, वहां से मैंने क्लिक किया पिक्चर इनहांस मेटाफाइल, ओके ये मेरी पिक्चर आ गई। अब इसको सिलेक्ट करके आप पिक्चर फॉर्मेटिंग में जाएं, क्रॉप कर दें और यहां से जाके आप इसको क्रॉप करके छोटा कर दें, सिलेक्ट किया, अगर आप यहां से कॉपी करके वहां लेके जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं ले जाता हूं, मैं उस फाइल में गया ऑल्ट टैब दबाते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे में स्विच करने के लिए, मैंने यहां पेस्ट कर दिया, लेकिन आप जोर लगा लें बाहर नहीं आएगी इससे, वो कैसे आएगी, अब यहाँ क्लिक करें, क्लिक करें यहाँ टेक्स्ट कर दें, अब यहाँ टेक्स्ट हो गया, अब जैसे आप फाइल क्लिक करते हैं ना आपका ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट हो जाता है, देखें वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका तो मैंने आपको बताया है, होम में जाए सिलेक्ट में जाए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए पॉकेट जहाँ मर्जी ले, उसके बाद आप जाए इंसर्ट शेप, शेप में जो भी शेप आपको चाहिए वो शेप सिलेक्ट करें और यहाँ से जाकर आप अपनी शेप को देखें, कलर ब्लैक कर देते हैं, आउटलाइन कलर मैंने यहाँ पर जाकर ब्लैक कर दिया, ब्लैक करने के बाद आप इसे डॉट करते हैं, आप इसको यहाँ से डैश टाइप डॉटेड जो भी आपने करना है वो आप इस तरह से करिए, लाइन मोटी करनी है बारीक करनी है, ऑफिस 2020 बन गया है, अभी बिल्कुल ऐसी है कुछ भी चेंज नहीं है, आउटलाइन थोड़ी सी चेंज है वो बाद में देखेंगे, तो हम यहाँ मैंने इसको यहाँ दिया ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कुछ गलत क्या क्या
हाँ तो भी फिर ही होगी ना, अब आप चेक करो ना अभी, अगर आपके पास कोई एरर है इस पर क्लिक करें, मैं प्रूफिंग आपको बताया हुआ है, वो बता रहा है या ड्राइवर की गलती है या आपने कॉल के बारे में बताया है ना, वहाँ से आप सुनना चाहते सुन लो। When you click on line video, you can paste in the embed code. ये भी जो मैंने टेक्स्ट सबर टेक्स्ट है उसके बाद और किसी को दिया, आप करें क्लोज करें ये ने राइट क्लिक, ओके नोट हो गया जाए ठीक है ठीक है ओके जी। अब आपके पास आपका फॉर्म जो है वो बन गया है। अब एक चीज़ तो लिखिएगा, अब जो मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ ना आते एक इशू है मुझे ना, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं, ये बॉर्डर तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पे आपके पास नहीं है कंट्रोल एफ टू दबाया आपने प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब यहाँ जाए क्लिक करें टेबल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हैं ठीक है। फ्लाईओवर का है आपके पास और आपने अपने पूरे टेबल के बॉर्डर गायब कर दी। आप कहते हैं सर अभी भी नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा ये प्रिंट में नजर नहीं आएंगे, कंट्रोल एफ टू करके आप प्रिंट प्रीव्यू पे ये बात देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्या मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं कहता हूँ नहीं यहाँ भी नजर ना आए तो लेआउट के अंदर व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन ऑफ कर दें, फिर आपको इसी डिजाइन में आपके व्यू जो है वो उस तरह से नजर आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, यहाँ तक अगर व्यू क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।